इधर जोधपुर की बात कर लेते हैं, जहां पर कांग्रेस प्रत्याशी वैभव गहलोत के समर्थन में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधा। साथ ही उन्होंने कहा कि जोधपुर वासियों ने मुझे हमेशा प्यार दिया है और हमेशा आप इसी तरह साथ देते रहना। वहीं सीएम के साथ डिप्टी सीएम सचिन पायलट, अविनाश पांडे सहित कांग्रेस के विधायक और पदाधिकारी मौजूद रहे। तो बड़ी बातें यहां पर कहें अशोक गहलोत की, तो उन्होंने कहा कि काफी भावुक हुए और उन्होंने कहा कि जो मुझे प्यार जोधपुर वासियों ने दिया है वही प्यार वैभव गहलोत को दें और जोधपुर की जनता मेरी सबसे बड़ी ताकत है। मैंने 28 साल पहले जोधपुर की जनता से फिर तीन वादे किए थे, उन तीनों वादों को मैं आज भी निभा रहा हूं। जब जब कांग्रेस सरकार रही, मारवाड़ पे विशेष ध्यान दिया गया, आप लोगों के आशीर्वाद से कांग्रेस की सरकारों ने जब जब सत्ता संभाली, तब जोधपुर में बड़े बड़े इंस्टीट्यूट आए, चाहे वो एम्स हो, चाहे लॉ यूनिवर्सिटी हो, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी हो, आयुर्वेद यूनिवर्सिटी हो, यहाँ पे जोधपुर में हाईकोर्ट की बहुत बड़ी बिल्डिंग की स्थापना हुई। ये सब आपके आशीर्वाद और सहयोग और समर्थन की वजह से हुआ, क्योंकि आपने कांग्रेस के ऊपर विश्वास रखा, कांग्रेस पार्टी के नेताओं पर विश्वास रखा। मैं इस मौके पे, आप लोग बड़ी संख्या में यहाँ नामांकन की श्रेणी में पधारे हैं, मैं आप तमाम लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ और आशा करता हूँ कि आप लोग अपना आशीर्वाद, समर्थन और सहयोग मुझे आने वाली 29 तारीख को देंगे। इस बार सरकार बनी हमारी 3 महीने पहले, हमने कहा है 600 दवाएं पहले फ्री थी, अब क्योंकि किडनी की बीमारी में बहुत महंगी दवाएं होती है, हार्ट की बीमारी में बहुत महंगी होती है, कैंसर हो जाए तो बहुत महंगी दवाएं होती है, तो तीनों दवाएं मैंने फ्री करने की घोषणा कर दी है राजस्थान के अंदर। पानी के लिए कहा हमने, इस बार पानी का कलेक्शन में पैसा खर्च करते बिना मतलब का, पानी तो कम से कम जीवन की आवश्यकता है, तब हमने पानी के बिल है वो समाप्त कर दिए, कोई बिल नहीं आएगा गाँव के अंदर तो नहीं आएगा, और शहरों में आएगा तो वो मामूली आएगा, उसको भी हम देखेंगे चुनाव के बाद में परीक्षण करवाएंगे। 30 रुपये बिल आएगा, पहले 100 रुपये आता था, अब 30 रुपये आएगा। इस प्रकार से हमने बड़े फैसले किए। अभी हमने कहा नौजवानों के लिए कोई अपनी उद्योग लगाएगा छोटा मोटा, 3 साल तक सरकार से परमिशन लेने की जरूरत है, सब काम अपना भी करे वो, जिससे कि रोजगार बढ़ सके। 2 रुपये के बजाय 1 रुपये किलो गेहूँ गरीबों को मिलेगा, 1,60,00,000 लोगों को वो शुरू कर दी। 5 सालों में इस देश में, इस प्रदेश में क्या हालात उत्पन्न हुए आप हम अच्छी तरह जानते हैं। आज राजस्थान की जनता का मैं बहुत आभार प्रकट करना चाहता हूँ कि 3 महीने पहले जो विधानसभा के चुनाव हुए, आप सबके आशीर्वाद से हमारी पार्टी जीती, कांग्रेस की सरकार बनी, उसमें जोधपुर का, जोधपुर लोकसभा क्षेत्र का, मारवाड़ का, सब लोगों का जो आशीर्वाद रहा, उसी की बदौलत आज हम सब लोग आपकी सेवा करने के लिए तैयार हुए हैं। विधानसभा के चुनाव जीतने के बाद सरकार ने जो निर्णय लिए हैं, जो घोषणाएं हमने करी थी चुनाव के समय, उनको समय से पहले पूरा करने का काम किया। शायद ही किसी सरकार ने इतने कम समय में 100 दिन के अंदर अंदर 18,000 करोड़ रुपए की ऋण माफी की घोषणा, पेंशन की वृद्धि की घोषणा, बेरोजगारों को भत्ता देने की घोषणा, पानी के बिल माफ करने की घोषणा, फसल खरीद की, इन तमाम मुद्दों पर काम करकर सरकार ने दिखाया है। इधर वहीं जोधपुर में हुई जनसभा से पहले जोधपुर लोकसभा क्षेत्र से कांग्रेस प्रत्याशी वैभव गहलोत ने अपना नामांकन दाखिल किया। नामांकन से पहले कांग्रेस ने रैली के रूप में शक्ति प्रदर्शन किया और रैली के साथ ही वैभव गहलोत कलेक्ट्रेट पहुंचे, जहां उन्होंने अपना नामांकन दाखिल किया। इस मौके पर कांग्रेस के कई दिग्गज नेता मौजूद रहे। नामांकन भरने के बाद वैभव गहलोत ने मीडिया से बातचीत में पूर्व सरकार को निशाने पर लिया और कहा कि पूर्ववर्ती सरकार ने आमजन को मूलभूत सुविधाओं से वंचित रखा है, जिसके चलते जनता में आक्रोश है और वे इन सभी सुविधाओं को जनता को उपलब्ध करवाएंगे। सबसे पहली बार सांसद बने थे, उसी सीट से मैं नामांकन दाखिल कर रहा हूं और तमाम सीनियर नेताओं का और तमाम कार्यकर्ताओं का और जोधपुर लोकसभा क्षेत्र की जनता का आभार
उन्होंने मेरे पक्ष में राय रखी और मुझे आज ये पार्टी हाईकमान ने मौका दिया जोधपुर लोकसभा सीट से कांग्रेस का प्रत्याशी बनने के लिए। नहीं, बहुत अच्छे संकेत हैं, जो जनता का आशीर्वाद, जो बुजुर्गों का आशीर्वाद, जो युवाओं का प्यार, जनता का समर्थन, उसको देख के बहुत खुशी हो रही है।